आपने बस इन पे फोकस रखना है, जैसे ही सुप्रेस ने अपने सेंसेशन रिसीव करना शुरू कर ली ये चल सकेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोग ख्याल रखेंगे। ओके तो गुड, हम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। ओके ओके शहीर बेटा, चलो घर चलते हैं। डॉक्टर ने तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी है। मिस सुधा, क्या आप मुझे बता सकती हैं फ्रेश ग्रेजुएशन होने के बावजूद, विदाउट एक्सपीरियंस होने के बावजूद हम आपको क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? अब सर मुझे लगता है मेरी रिकमेंडेशन के पीछे मेरी एक लंबी स्ट्रगल है और मेरी यूनिवर्सिटी के स्टाफ को मुझसे बहुत सारी उम्मीद है। उन्हें लगता है मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये सब कुछ उनकी कोऑपरेशन और गाइडेंस की वजह से ही मुमकिन हुआ है। मुझे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। ओके मिस सुधा, हम आपको बताते हैं। हाँ सुप्रिया, याद है मुझे, बस अरीज से बात करती हूँ, सैलरी उसे मिल गई होगी। 20,000 रुपए अरीज देगा ये मेरा मसला नहीं है, मगर आरएस को उन सब से दूर रखने के लिए कुछ तो करना होगा ना। खुदा पहले ही जॉब सर्च कर रही है, वो उस घर में मजीद मजबूत हो जाएगी। मुझे आरएस को अपना बनाकर रखने के लिए उनसे दूर रखना होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप काफी खुश नजर आ रही हैं। सब खैरियत तो है? बिल्कुल, सेट मैंने ले लिया है। तो फिर इंतजार किस बात का है? जल्दी से आ जाए, इंतजार कर रही हूँ आपका।